सिवान के राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी भी आज गोपालगंज मोड़ स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और उनके जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लगातार दौरा भी ये कर रहे हैं और ये आज बाबा साहब जयंती के मौके पर पहुंचे हुए थे गोपालगंज मोड़ पर और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि अवध बिहारी चौधरी ने आज के इस मौके पर क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। देश के महान विद्वान जिन्होंने भारत के संविधान लिखने का काम किया, देश रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी आज जयंती है और हम तमाम लोग, यह देश ही नहीं दुनिया में इनकी जयंती मनाई जाती है और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भारतवर्ष का संविधान जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उन महान पुरुष की आज जयंती है और हम जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इनके आदमकद जो मूर्ति है उस पर मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है और बाबा साहब के संविधान के रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए और यह संविधान है तो यह देश है, इसलिए बाबा साहब के संविधान के पूरे मतलब इसमें कहीं किसी तरह के कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और हम लोग जैसा आदमी गंभीरता से लेने का काम करता और यह संविधान के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम लोग सजग हैं और बाबा साहब हम नमन करते हैं आपके अरमानों और आपके संविधान पर पूरा देश चलेगा और आपके संविधान जब तक सूरज चांद रहेंगे बाबा तेरा नाम रहेगा और यह संविधान कभी ख़त्म होने वाला नहीं।